दिक्कत है, तेरा कुछ प्रॉब्लम हो रही है के? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे सब? और आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, लेकिन पहले मैं मम्मी के साथ जाती थी, अब जा रही हूँ। सीमा दी आई हैं आज शॉपिंग करवाने, तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और आशीष और दी आते ही होंगे, तो लेने जाएंगे बच्चों के कपड़े जो ससुराल वालों को, मेरे मायके वालों को देने हैं जब भी लिया जाएगा, तो हमारे में देते हैं ऐसे ही, तो वो शॉपिंग करनी आज। तो साइजेस मुझे पता थे, तो बोले कि चलो तू भी चल और व्लॉग भी बन जाएगा और मिल भी लेंगे, बहुत दिन हो गए थे मिले हुए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपना शॉपिंग का प्लान कैंसिल कर देती हूँ, आपके साथ चलती हूँ। तो आज का व्लॉग वहीं का होगा, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा व्लॉग देखना, ठीक है? बहुत मस्ती होने वाली है क्योंकि दी बहुत जॉयफुल है हमेशा, मतलब हंसी मजाक का माहौल रहता है दी के साथ। तो निकलते हैं, बस आशीष आती होंगी, ठीक है? बाय बाय। तो देखो गाइस, किसके साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं हम? दी आई है स्पेशल शॉपिंग करने। फायदा हो रहा है ससुराल में रहने का, है ना? आशीष भी है साथ में। हेलो बोलो गाइस। हेलो हेलो। चलो निकलते हैं शॉपिंग करने। दी बच्चों की शॉपिंग करके लेके आई बच्चों के कपड़े, तो देखते हैं कैसे क्या कपड़े लेके आते हैं, कैसी वैरायटी मिलती है आज कपड़ों में। यस ओके, चलते हैं। आप देख के बताना कैसे लगे। यस जब चॉइस करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली बता दे, कहने की जरूरत को नहीं, कौन से अच्छे है कौन से ना। भाई आ गए हैं मार्केट में, आप ड्रेस व्रेस लेनी है? माय स्वीट सारी मार्केट माय स्वीट लिटिल बॉबी छोटी स्लो भाई आ गए हैं इस पे कोयल पे, अब देखते हैं कैसी ड्रेस व्रेस मिलेगी यहाँ पर, चलते हैं अंदर। लो भाई ड्रेस देखा, लग रहे हैं कुछ पसंद नहीं आ रहे हैं ना, देखो भाई कब पसंद आएगा। एक दो चीज आई है, एक दो चीज निकलवा दी है हमने, कोई ड्रेस ऐसी पसंद नहीं आई कि हम जो देखते ले ले, तो हाँ तो अब दूसरी शॉप पे जाके देखेंगे, और यहाँ भी ना पसंद आई तो दूसरी मार्केट में जाना पड़ जाएगा। आज का दिन आपका खुला खुला, देखते हैं पर अच्छा ही लेके जाएंगे अब आए तो। हाँ ठीक है, घर से टाइम निकाल के ही आए लेने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया शॉपिंग उसका फंक्शन का, तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी शॉपिंग करते हैं। अब यहाँ आ गए हैं वॉक इन स्टाइल रोहिणी में, यहाँ पे देखेंगे बच्चों के कपड़े, पहले अच्छे अच्छे लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखे हैं बॉयज के कपड़े, ये देखो इसमें से कौन से अच्छे लगेंगे कौन से लेंगे वो आपको बाद में ही पता लगेगा, पसंद आए हैं पर यहाँ पे वहाँ से बेटर। 799 का, 720 रुपये का, 4 साल की ड्रेस है भाई, आया पसंद? एक फाइनल कर दिया, नेली दो ड्रेस तो फाइनल कर लिया दीक्षु ने और पूनम ने, मतलब सीमा ने। हाँ और देख लग रहे हैं तो जो और सारी फाइनल होने के बाद दिखाऊंगे। चल भाई चलते हैं, चले दो दो तीन पसंद आए वे ले लेते हैं, बाकी और देखते हैं। कैशियर आज सीमा दी बन गई है, कैशियर देखा कैशियर आज आप बन रहे हो मजे आ कैशियर बन गए शॉप पर, तो हमने कपड़े पसंद नाते अलग अलग वैरायटी देखने का हमने शौक हो रहा है आजकल, तो हम फिर दूसरी शॉप पर तीन दिन ले ली की है। आप बताना कैसे लगे और दिखाएंगे खोल खोल के हमने सारे। आप आज नहीं जब कभी मतलब फंक्शन के बाद ही देख पाओगे ये, तो आप तो आप नेक्स्ट शॉप में चल रहे हैं एक और शॉप के अंदर, ये तो जींस की लग रही है। अब हम क्या करें क्योंकि हम हो गए परेशान, बहुत सारे शॉप पे घूम घूम के कुछ पसंद नहीं आ रहा है, प्राइस ज्यादा दिखा रहे हैं, पसंद अजीब है। कहाँ चले फिर? हमारी अजीब बोली हुई थी, अजीब अरे पसंद हमारी जो नहीं पसंद अजीब क्या वो पसंद नहीं आ रही बिल्कुल भी, मतलब रेट हाई लगे हैं उस हिसाब से कपड़ा सही।
और मतलब सर्दी आ रही है तो कट स्लीव वगैरह यूजलेस है अभी लेने, तो हम और कोई मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। कहाँ चले फिर? देखते हैं, रानीबाग सीधा चले फिर। हम जाते जाते इतना लेट हो गया और हमने दी, हम यूं कहने लग गए कि मैंने घर पे जाना है, घर पे जाना है, और मैंने कहा आज रुक जाओ। अरे पागल है, छोटा बच्चा मेरा कहाँ जाएगा? वो छोटा बच्चा अपने पापा के पास रहेगा, पापा जीजू आ रहे हैं ना बस, तो फिर वो तो वैसे भी राजी रहे, जीजू दो रह गए। चलो लेट था चीजें, ये पास में हो आप तो मेरी तरह, आप उधर हो मैं इधर हूँ, बस इतना ही फर्क है हमारा। हम उतरते हैं नीचे। चलो भाई। तो गाइज हम दूसरी मार्केट अब पहुंचने वाले हैं। इतनी देर में घूम घाम के हमने तीन ड्रेस ली थी रोहिणी से, वहाँ पे ज्यादा पसंद नहीं आई। तो इतने परेशान हो गए हैं क्या बताएं? मुझे पता नहीं लगता कितनी परेशान हो रही है। तीन बजे घर से निकले हम थे, हम एक बजे शायद निकले थे ना। हाँ एक बजे निकले थे यार, एक बजे में हमने सिर्फ तीन ड्रेसेस जो पसंद आई वो तो ले ली, जो बाकी नहीं पसंद आई वो अभी यहाँ से ले लेंगे, बाकी जो लेंगे आपको व्लॉग में दिख जाएगा। मार्केट पहुँचने वाले हैं, डोंट स्किप द व्लॉग, पूरा देखना वरना कुछ ना कुछ रह जाता है कि आपने क्या लिया, फिर आप बोलोगे क्या लिया है ये तो दिखाया नहीं, उसका नहीं लिया उसका नहीं लिया, फिर आपकी कमेंट आते हैं। पीले के टाइम पे ही दिखा पाएंगे क्योंकि अब तो हम जाके निकालेंगे नहीं कपड़े वगैरह। हमारी मर्जी, हम अपने हिसाब से लेंगे यार, इतनी बकवास सुन सुन के लेंगे के पैसे हमें अच्छे लगेगा हम वही तो लेंगे, हम पैसे वेस्ट करें हैं और बेकार के कपड़े खरीद कर ले आऊंगे। हम रानी बाग से अच्छे और बेस्ट कपड़े खरीदेंगे, ठीक है, जो हमें अच्छा लगेगा वही खरीदेंगे। अब हम तेरी नहीं सुनेंगे क्यों दीपांशी? हम अपने अपने माइंड से चलते हैं, दूसरे के माइंड से नहीं चलते। इब हम लेके भी आवे पैसे भी खराब कर और पसंद भी किसी को नहीं आएंगे, फायदा क्या है? कुछ भी नहीं, फायदा तो कमाई कुछ। अच्छा नू बता, एक एक जगह है दिमाग धरा है, है और एक जगह पीछे धरे है, तो कौन सा चूज करेगी? मैं तो भाई देख दिस सही बताओ, दिमाग चूज करेगी या पीछे चूज करेगी? नू बता कितने पैसे रखे हैं? एक करोड़ रुपए रखे हैं। एक करोड़ रुपए रखे ना, तो सिर्फ मैं दिमाग यूज करूंगी, करोड़ रुपए तो फिर भी कमा सकूं, ठीक है? दिमाग कितने लगे पागल है, पैसा सर में मारूंगी। आप तो पैसे लेते जरूर। के दिमाग चूज करेगी ना, ना मतलब इस दिमाग मतलब मान के तेरे में दिमाग ना था। अरे मेरे पास इस मार्केट में आ गए हैं और आशीष ने लग रही है बहुत तेज भूख, पहले आशीष लेंगे कुछ खाएगा क्योंकि आशीष का फास्ट है, उसके बाद मार्केट में जाएंगे अभी, तो पहले आशीष ले लेते अपने लिए कुछ खाने का, जूस भी पी लेंगे। दी देख कितनी आग आग भागी है, पहले गोलगप्पे खाऊंगे बाद में शॉपिंग। मुझे अच्छे लगे तो मैं खाने आ गई। चलो खा लो, दो दिन पहले भी खा गई जब ये तो भाग के आ गई। हाँ भैया कहे इतने सारे जब मेरे हस्बैंड थे मेरा बेबी था, आ जाओ ना। ये देखो गाइस ये गर्ल्स के कपड़े देख रहे हैं, इसमें से ये वाला पसंद आया हमें, ये अच्छा है। आपने भी ये अच्छा लगा? अच्छा लगा। हाँ और दिखा दो अंकल, देखते हैं अभी क्या पसंद आता है, फिलहाल तो यही है, कुछ नहीं पसंद आया तो ये तो डन है। अपनी मिलती हो ना अपनी भी ले ले इसी, अच्छी है यही कर लो फाइनल, मुझे अच्छी लगी ड्रेस, अपनी लगी मम्मा की पहनेगी ना, अगर वो मम्मा की लड़की पहनेगी ना बड़ी वाली वो सुंदर लगेगी। इसके पास मैं देखा हूँ पहने हुए एक बार, गुरमीत और नीलम दोनों ने मिल के मुझे ले लो ना फिर क्या पहले ड्रेस बाकी है, किसकी बाकी है दीक्षु? दुगु की। तो देख दुगु बड़ा दिखा दिखा एक साइज और बड़ा दिखा देखो भाई छोटी लग मैंने तो 34 है 34 वैसे 32 कट कर ले बुड़का भर दिया कचकच उठती मान है तै नुकसान कर ला रही मेरी छाप दे इसने ना दिमाग खराब करा पागल मारे
मेरा तो स्कोपिंग के तो कर दिया सर में बड़ा घोड़ दे फिर क्या होगा फिर मेरा भाई बेचारा अनाथ सा होगा मां मां मिल मां एक मां मिल दूसरा पैर करना पड़ेगा अपनी भाई टाइम किया हमने ना किया हमने तो ये बढ़िया लगा है इसके अलावा हमने फिर गारंटी नहीं है कैसी भाभी आएगी सही बात है गारंटी नहीं ये लो है लो लो प्यार वाला ये लव दोबारा नहीं होता एक ही बार होता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू मैं रमेश बाबू ना हूँ आशीष बाबू आज की बात जो किसी रमेश का नाम ले दिया ना बुढ़ के भरूंगी गाइस ये ड्रेस हो गई है फाइनल बच्चों की सुंदर सुंदर कपड़े सबके हो गए हाँ सबके हो गए दिखाएंगे क्यूटी क्यूटी कपड़े हैं ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी थी सीमा दी को ये जिसके पास जाएंगे उसे पता लग जाएगा किसके हैं अच्छी है सीमा दी ने यह ड्रेस बहुत पसंद है आपके साइज की मिलती हो तो ले लो मेरे साइज की मिलना माँ भारत है एक ये है ओ भाई ये तो दिखा दिया तुमने ये भी नहीं बताने किसके है ना पता नहीं क्या सब जो जिसके पास जाएंगे पता लग जाएंगे अब हम नाम नहीं बता रहे किसके टी-शर्ट और ये हां सारे अच्छे हैं कराते ही से पैक ओके ठीक है स्टार्ट करिए अंकल का हिसाब गड़बड़वा दिया आशीष ने अंकल की राइटिंग समझ में ना आई हमारी हैं देखते शॉपिंग हो गई गाइस देखा यहां तक जल्दी होगी वहां पर मार्केट में फास्ट फास्ट एंड फ्यूरियस हो रहे हैं देखियो अंकल ने तीन बार जोड़ लिए ये कम बत्ती थोड़ी ना होंगे नहीं हमारे दो बार जोड़े तीन चार बार जोड़ लिए 15 मिनट हो लिए 15-20 लाख का बिल पठा हुए कि भाई डिस्काउंट नहीं होगा कोई भी ऑफ नहीं होगा 15% डिस्काउंट किया है लेकिन हम बोल रहे थे उसके बाद नहीं करते चलो सही है लो अंकल जी ना 100 रुपये ले 100 रुपये और लेकर माने हैं चलो सही है 20 रुपये छोड़ दिए देने हैं छोड़ दिए आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो बता दो छोड़ दिए 20 रुपये चलो ठीक अंकल जी थैंक यू वेलकम जी तो गाइस शॉपिंग डन देखा कितनी जल्दी कर लियो आज ले रहा है पीछे कहाँ कटी है यार ये देख अरे यार अटक के खड़े हो गए शॉपिंग हो गई है पूरी इतनी मतलब एक घंटा भी ना लगा शॉपिंग करने में फर्स्ट फर्स्ट दिखाए और पसंद आ गए थे ना सारे कपड़े तो भाई जब यहाँ से निकल रहे हैं यहाँ खाए थे गोलगप्पे यहाँ पे खाए थे गोलगप्पे खा लिए अच्छे बहुत अच्छे ये भाई प्रमोशन कर रहे हैं गोलगप्पे वालों का हाँ गोलगप्पे ने जैसे फ्री में खिलाए वो मारते हैं हाँ फ्री में खिलाए होते थे क्या बीते हुए अच्छे थे कहाँ जी ना प्रमोशन के नाम के लिए ऐसा प्रमोशन मिलती नहीं अरे प्रमोशन मिलती नहीं लोग सोचे हैं सोचे हैं सोचो ना सोचन दो ये थोड़ी ना अपने मैं अपने सोचते सोच चल लो ना दूसरा तो बस अभी घर के लिए निकल रहे हैं तो कोई पता नहीं क्या बोल रहे हैं तो अब बस निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि दी को भी जाना है घर पे दी का काम टाइम पे हो गया खुश हो रही है दी तो बस निकल रहे हैं ठीक है क्या खा लिए बड़ा खराब करके घेर दिया ही ना दिमाग कटी नहीं यार अच्छा बेटा नहीं पागल ना है कुछ तो खवा लेता पागल सन देख रहे बना रही है जो चीज सही है ना सुनो बात कहूंगी ना मैं अभी इस टाइम पे आत्मा में बस रहे हैं भाई भाभी मेरे मतलब आप ना आपने रिकॉर्ड करे जाओ आप बोलने जाओगे 15 मिनट आपके निकाल दूंगे कौन सा था प्यार का पंचनामा फिल्म वो 5 मिनट बोल सके ना 10 मिनट बोल सके ना 5 तो मैं भी 5 आप उसका रिकॉर्ड तोड़ सको हाँ रिकॉर्ड तोड़ सकूंगी शायद हो सका फिर एक्टर देख के फिर सोचो भैया तो मेरी बात हो एक्टर से मिल ली यार इसको बुलाते हैं सही बात है मैंने बुलाऊंगी गाइस जबरदस्ती लेके आई
टाइम देखा बार बार ऐसे पाँच पाँच मिनट समझो बार बार फोन आ रहा है क्योंकि बच्चा आ रहा है नहीं अरे हम तो बैठे हैं सीमा तो खा लेगी मिठाई फेवरेट आ रहा है उसके नाम की एक मेरा भाई भूखा है अरे कहाँ चलते चलते मिलना तो जल्दी ही है खैर करके गई वही हूँ जो एक महीने पहले ही भाग चुकी थी देख कैसे देखा अपनी बुआ ने हंसड़ा आए 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 अब आशीष के पास आ गया सी कौन है ये तो खुश नहीं लग रहा रचना चौधरी कौन है लड्डू तो अपनी सीमा बुआ पे गया हुआ है हमारे भतीजे का ध्यान रखना सीमा की फ्रेंड हो सकता है बताइए रचना चौधरी कौन है नमस्कार नमस्कार हाय भी थी आज के मुख्य समाचार और क्या ले लो ले लो बार बार 200 रुपए ले जाऊंगी काम है एक शराबी था ओबड़ा गिलास डर रहा अरे उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं मैं ना पीऊं रात से उंगली चोरी कर रहा है ले ही मत डाल दे अरे मैं ना पीऊं अगले नहीं मत डाल दे तू शादी क्या ना चाहूं मैं पैसे लेती बैठी हूं भगवान ये तो सब कैसे लिए देख ना ना मेरी तो क्या करा करो ना 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 ले लो बस लेके तुम मगा ले नहीं यार उधर ये हम क्यों करा करो मैं तो कह रहा हूं इमोशनल हो जा तू कौन परी रहना चौ घंटे आप मैं बात करूँ तुम कौन रोक गए हम तो बड़े लड्डू जाए सही बात है चलो ठीक है लड्डू चलो चलो कोई सामने आता है तो ब्रेक कोई सामने आता है तो क्या करते हो ब्रेक मारते हो कि पैर ब्रेक पैर रुकती 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 किसी का पैर तरह अरे इतना इतना बेकार रोड है ना कुछ पूछो मत दुखी हो जाओ आते आते फिर मैंने अकेले में जाना अकेले में जाना अकेले में आना स्कूटरी पे एंजॉय करते जा रहा हूं एंजॉय करते आ रहा हूं अभी जी कल चला होगा तो गाइस शॉपिंग करके आ चुके हैं दी घर पे भी आई थी बड़े दिनों में कभी दी आई नहीं है पहले घर पे पूनम दी तो आई थी मतलब जैसे एंगेजमेंट होने के बाद
जैसे करवा चौथ का सामान देने आते हैं, तब आई थी पूनम दी, लेकिन सीमा दी शायद पहली बार आई थी, तो मैंने बहुत इंसिस्ट किया तब जाके आई है, वरना तो आ भी नहीं रही थी, कह रही थी लेट हो रहे हैं बच्चे हैं घर पे। मैंने कहा कोई नहीं, 5 मिनट बस चाय पी के चले जाना। मम्मी को आते ही फ़ोन, रोहिणी से ही फ़ोन कर दिया था कि चाय रख लो, तो आते ही पी के थोड़ी देर में चले गए आप, जैसा कि आप व्लॉग में देख ही लोगे ये। तो बस यही था आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स हमारे साथ देखते रहो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट सबको।